कुछ हल्का फुल्का सा बना लिया है, चाहे तो ब्रेक ले लीजिए। आ जाइए, दस्तरखान तैयार है। मैं शुरू नहीं करूंगी जब तक आप नहीं आते। चलें तो फिर ठीक है, मैं शुरू कर देती हूं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। या अल्लाह, पानी तो लाना भूल ही गई। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई। कम ऑन, कोई एक तो फंस जाओ यार। मछली खाएंगे, लगे रहो।
हेलो। वो तारीखी दिन आ गया था जी, हाँ बताओ मुझे कहाँ का प्लान है उसका? कोई प्रॉब्लम है, क्या हुआ? नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ। जबरदस्त। जाने दीजिए इन्हें वापस प्लीज। देखिए दो हैं एक साथ, ये दोनों एक कपल भी हो सकते हैं। मुमकिन है कि पहले एक ने मुंह मारा हो और दूसरा उसे बचाने के लिए आया हो और फिर ये दोनों ही फंस गए हो इसमें। मछलियां ही हैं बस। देखें तो कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत ही क्यूट लग रही हैं मछलियां। क्यों ना हम इन्हें झील में वापस डाल दें? कोफ्ते बनाए तो हैं मैंने, तो मछली की क्या जरूरत है फिर? मैं कोफ्ते लेकर आती हूं आपके लिए। नहीं, बहुत फिक्र हो रही है मुझे जफर। खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? सोना इजी हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है जफर। अच्छा ओके, मगर तुम्हारे मेरे बीच में रही ये बात, आमिर बिल्कुल ठीक है, वो रियान के साथ है, एक माउंटेन हाउस में है दोनों। ठीक है जफर, शुक्रिया। hmm.
माउंटेन हाउस में दोनों अकेले, तन्हाई में एक दूसरे के बहुत करीब, रोमांटिक वेकेशंस बना रहे हैं। पागल हो जाऊंगी मैं, बिल्कुल पागल हो जाऊंगी मैं। तुम राजी कैसे हो गए आमिर? उस चुड़ैल को तुम आखिर कैसे माफ कर सकते हो? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कभी। बस एक आपकी ही कमी थी। फरमाइए जाविदा आंटी। जेमरे, क्या तुमने बात की हिकमत से? सोना को समझा दिया था मैंने, बात हो गई उसकी। अच्छा, तो फिर? हिकमत अंकल ने मैलेकापा से आपका एड्रेस लिया है। सच कह रही हो तुम? ये तो बहुत अच्छी खबर है, शुक्रिया तुम्हारा जेमरे। जाविदा आंटी, सोना सोना मुझे बुला रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है रेयान। किसी खुशफहमी में मत रहना। हिकमत ने एड्रेस लिया है मेरा। पहली बार को जिंदगी में सही काम किया है मैडम जेमरे, पहली बार। का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अभी तक सरप्राइज हूं मैं। कैसे, यानी ऐसे अचानक हो गया सब? हाँ, बस उजलत में ही हुआ सब कुछ। वो क्यों? इस वजह से हुआ कि मेरी वजह से हुआ। मेरे वीजा में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, या तो अर्जेंटली मैं वापस अपनी कंट्री चली जाती या फिर शादी कर लेती। बिल्कुल यही सिचुएशन हुई इनफैक्ट। ठीक है, मगर आप हमारी उलझन तो समझ ही सकते हैं अंकल। हमारे खानदान में ऐसी शादी तो रिवाज बनती जा रही है। किस्मत के मामलात हैं ये। जिस काम का वक्त आ जाता है वो हो जाता है। चले खैर अंकल, सरप्राइज तो खैर अपनी जगह, लेकिन सुनकर खुशी बहुत हुई मुझे। मतलब पिछले कुछ अरसे में सबसे अच्छी खबर है मेरे लिए। थैंक यू माय प्रिंसेस। इंशाल्लाह आप दोनों बहुत खुश रहेंगे। इंशाल्लाह।
आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। मैं कर लूंगा। मगर ये गीली हैं, जलेंगी नहीं। लाइन माचिस दीजिए मुझे। मम्मी कहती थी कि जिद से कोई काम ठीक नहीं होता, और खुद पे यकीन हो तो जिद नहीं करनी चाहिए। जिद्दी तुम हो असल में। यहाँ किस वजह से आई हो तुम? अपनी जिद की वजह से। हाँ, जिद कर रही हूँ मैं, लेकिन आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि हम दोनों बात कर सकें। अगर हम बात नहीं करेंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं। हमारी बात के बीच कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। मैंने सोचा यहाँ हम बात कर लेंगे, शायद यहाँ आप मेरी बात सुन सके। सुन भी लूंगा तो क्या बदल जाएगा? बहुत कुछ। और जो कुछ बीत चुका, क्या तुम उस सबको भी बदल सकती हो? काश कि मैं ऐसा कर सकती, तो यकीन करें मैं ऐसा जरूर करती। मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप सुने। मैं आपकी जिद खत्म करके ही रहूंगी। जो सिचुएशन थी बता चुका हूं। फिर यूं हुआ कि मिशाल की मां के चले जाने के बाद जिंदगी उन दोनों बाप बेटी के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। मिशाल ने 3 साल तक एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। बहुत सीरियस शॉक था उसके लिए तो, और इस सब ने कमाल पर बहुत असर डाला। फिर उसकी बेटी ही उसकी जिंदगी बन गई। अच्छा खैर, ये क्या अनप्लेजेंट टॉपिक लेकर बैठ गए हम? सच पूछो तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरा भाई अब तन्हा नहीं रहा। क्या प्राइवेट बातें बता रहे हैं भाई उसे अकेले में? किसी को बताना थे वो। ताजी। जी भाई। मेरा फोन गाड़ी में रह गया था। गाड़ी में? दरवाजा खोलो ताकि निकाल लूं मैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन ले ले वरना रह जाएगी।
हाँ आप नहीं लेंगे क्योंकि मैं जो दे रही हूं। लग रहा है बहुत बेचैन हो रहे थे तुम। मेरे बच्चों ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेनी होगी मुझे। जी भाई आप बात कर ले। क्या हुआ, क्या पूछ रहे थे वो तुमसे? कुछ पूछ रहा हूं। हाँ इंडीड, बहुत प्यारी है आपकी नीस। ये तो है, सोना बहुत सेंसिटिव और स्वीट बच्ची है। वेयरहाउस वाला था, अब तो लाजमी विजिट करना होगा हमें। परेशान ना हो, मैं शाम को चक्कर लगा लूंगा। चलो अब हमें चलना चाहिए। कुछ देर तो रुको यार। भाई आपको पता है मिशाल का? हाँ ठीक है, ठीक है कमाल, तो फिर जिद नहीं करता, समझ गई होगी तुम। जी तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां कैसे? ये घर है मेरा। मैं तुम्हारे गेस्ट का, कमाल साहब का वेट कर रहा हूं, शोफर हूं उनका। अरे मेरे अंकल के? तुम्हारे अंकल? कमाल साहब तुम्हारे अंकल हैं? हाँ अंकल हैं। ये दुनिया कितनी छोटी है ना। चलो इसी बहाने मुलाकात हो जाया करेगी तुमसे, बहुत खुशी हुई। मुझे भी। भेड़ियों की आवाज़ें हैं ये तो, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे भेड़िया नहीं है, तो मैं तो नहीं डरी बिल्कुल। हेलो, कॉल क्यों नहीं की, इतनी देर हो गई। करनी थी, बस हुआ ये कि। अच्छा बस खामोश। बताओ कब निकलोगे, एग्जैक्ट टाइम बताओ। वो फिर दोबारा नहीं कहूंगा। या तो अभी फैसला कर लो, तुम्हारे माँ बाप काम उतर जाएगा। भाई मत मारे, कमाल भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, माफ कर दे उन्हें। चुप हो जाओ, फजूल बकवास नहीं सुननी मुझे।
वेयर हाउस की तरफ जाना है हमें। दूर दूर तक कोई नहीं होगा। नहीं, कोई गाड़ी भी नहीं, कोई नहीं देखेगा। आला, अगर ये काम हो जाए तो तुम अपने माँ बाप से मिल सकोगे। अच्छा, रखता हूँ, खुदा हाफिज। हाँ ठीक। अंदर नहीं आएंगी ये, और फिर कहते हैं कि मैं जिद्दी हूं। भेड़ियों की आवाज़ ही है तो, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे भेड़िया नहीं है, तो मैं तो नहीं डरी बिल्कुल। एक्चुअली यहाँ पर मैंने सुना है कि लाइट भी चली जाती है कभी कभी। मुमकिन है कि हमें जरूरत पड़े इसकी। आप इसे जला देंगे प्लीज? मुझे दरअसल अंधेरे में डर लगता है, मगर इस डर के बावजूद भी तुम यहां आने से बाज नहीं रही।
27 मिस्ड कॉल्स। कोई मसला तो नहीं हो गया घर पर? हेलो हेलो, आमिर को फोन दोगी जरा? आह, क्या मुसीबत है यार। सुन रही हूँ मैं, कोई मसला है तो मुझे बता दो, मैं उनसे कह दूँ। तुम्हें आमिर को फोन देने के लिए कहा है मैंने? कहा ना, वो अभी बात नहीं कर सकते हैं। कहाँ हो तुम? नॉवल चाहिए मुझे। मुझे पागल कर देना चाहते हो तुम? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? आमिर, आमिर, मैंने तुम्हारे साथ वेकेशंस प्लान की थी आमिर, और तुम उसके साथ चले गए। आमिर, तुम ये कैसे भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? ये सितारे ने प्यारे लगते हैं जगमगाते हुए। मैं जब स्कूल में थी तो जिस रात आसमान साफ होता और तारे चमक रहे होते तो मैं घर से बाहर निकलकर स्टार ट्री के नीचे जाकर बैठ जाती थी। आपने तो देखा ही होगा, उस दरख्त की बात कर रही हूं जो घर के किचन के पास में ही है। जाहिर है उसका नाम कोई स्टार ट्री तो नहीं है, बस मैं कहती हूं। कितनी ही रातें मैंने उस दरख्त के नीचे सितारे गिनते हुए गुजारी हैं। देखा आपने? जानते हैं लोग कहते हैं कि सितारा टूटते हुए ख्वाहिश करें तो पूरी होती है। वैसे तो मैं ये सब नहीं मानती। नजर आ रहा है। सच में नहीं मानती मैं ये सब, मगर कुछ ना कुछ हकीकत तो होगी ना।
तो क्यों ना मांग ही लिया जाए। शायद दिल की कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए। नहीं, इस वक्त नहीं। यार फोन पिक करे जल्दी। कहाँ गायब हो गए वो लोग? सुने प्लीज, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। कितनी खामोशी है ना यहां पर। परिंदे, झींगर, ये सितारे, सोचो अगर हमें सारी जिंदगी यहां रहना पड़ जाए, कोई और ना हो बात करने के लिए। यानी तुम सिर्फ अंधेरे से नहीं डरती, अकेले होने से भी डरती हो। जानते हैं मुझे क्या याद आ रहा है? वो रात जब आपने मुझे उन दो लफंगों से बचाया था जिन्हें हम शिकारी समझ बैठे थे। मैं सोचती हूं कि अगर आज की रात किसी दरख्त के पीछे से वैसे ही कोई लफंगा सामने आ गया तो क्या मैं डर जाऊंगी? क्योंकि उस रात तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन कुछ ही देर में सेफ फील किया था मैंने। क्योंकि आप मेरे साथ थे। मैंने रियलाइज किया कि मेरे डरने की वजह यह नहीं थी कि कहीं कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, मेरे डर की वजह ना तो वो जंगल था और ना ही वो शिकारी थे। मुझे तो बस इस बात का डर था कि अगर आप मेरे साथ नहीं होते